और मेरे दो सवाल पे मैं बहुत शॉर्ट कमेंट्स आपसे चाहता हूं, फटाफट से, जल्दी जल्दी। नंबर एक, नंबर एक, पेंगोंग सो के इलाके में जो सैटेलाइट इमेजेस ये बता रही हैं कि फिंगर एट से फिंगर फोर के बीच में चीनी सैनिक आ गए हैं, हम फिंगर एट तक पेट्रोलिंग करने जाते थे, क्या अब हमने ये मान लिया है कि ठीक है हम फिंगर फोर के आगे नहीं जाएंगे क्योंकि वहां चीन आके बैठ गया, हमने वहां हाथ जोड़ लिए अब अपने कि नमस्ते ठीक है हम फोर तक ही कर लेंगे आगे नहीं जाते? जवाब दो जी, रोहित जी आपका जवाब दो। जी सर बोलिए। देखिए ये जी, बात फिंगर फोर से एट की नहीं है, जो मैंने कहा है ये बात पूरे एक्सटेंशन की है। और दूसरी बात, जो बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट है 2013 का, उसमें बहुत क्लियर कहा गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को यूनिलैटरली नहीं बदल सकता है, उसके अंदर में रात को आपका पेट्रोल नहीं रहना चाहिए, उसके अंदर में आप कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। और देखिए रोहित जी, अभी ना तो रिस्पांस खत्म हुआ है ना खेल खत्म हुआ है, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। और ये आपको मैं एज ए सैनिक बता रहा हूं, भारत सेना का सैनिक, ये आखिर में आपके सामने भी सत्य आएगा कि इस जगह के अंदर में एक भी चीनी सैनिक नहीं रह सकता है, ये पक्का है, अवश्य है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक सर, ठीक सर, ठीक ठीक। संबित पात्रा, गौरव वल्लभ, आप दोनों के पास वापस आते हुए। गौरव वल्लभ, अब तो आपने एक फौजी अफसर जनरल के मुंह से सुन लिया, अब भी आप बार बार टीवी पर बैठकर ये कहेंगे कि चीन घुसाया, चीन ने कब्जा कर लिया, हमारी जमीन ले गया, आपने दे दी, सरेंडर कर दिया? रोहित जी, सिंह साहब ने जो कहा उसके ऊपर मेरा कोई प्रश्न नहीं। सिंह साहब ने यह कहा कि भारत के विदेश मंत्री झूठ बोल, क्योंकि सिंह साहब कह रहे कोई नहीं आया, भारत के विदेश मंत्री बोलते हैं आवर साइड ऑफ एलएसी में आए। सिंह साहब ये कह रहे हैं कि भारत के जो राजदूत है चाइना में, और मैं तो सिंह साहब की बात मानता हूं, पर भारत के जो राजदूत है चीन में वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आवर साइड ऑफ एलएसी में चीन की सेना है। मैं तो सिंह साहब की बात मानता हूं क्योंकि ये फौजी है, पर भारत के सारे अखबार और सारे डिफेंस एक्सपर्ट सिंह साहब कह रहे हैं झूठ बोलते हैं। मैं तो सिंह साहब के साथ हूं क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि PP-14 जहां पे 20 हमारे नौजवानों ने शहादत दी वहां पर चीन ने वापस तंबू लगा ली। मैं सिंह साहब की बात से असहमत नहीं और कोई नहीं हो सकता, पर सिंह साहब इन तीन झूठों को भी आप जवाब दे देना, भारत के विदेश मंत्री जो कि झूठे हैं आपके अनुसार उनको जवाब दे देना, भारत के राजदूत को भी सिंह साहब जवाब दे देना, और भारत के भारत के जो भूतपूर्व सेना, उसके पहले सिंह साहब से कमेंट ले लेते हैं फटाफट इस बात पर। जी जी, मैं तो सिंह साहब की बात मानता हूं। ओके बल्लभ जी, सिंह साहब जल्दी से आपका एक कमेंट फटाफट इस पर। ओके सर, आपकी बात से पता लग गया आप सिंह साहब के कितना साथ है, पता लग गया, समझ में आता है लोगों को भी। सिंह साहब बोलिए फटाफट, फिर उसके बाद संबित आपके पास आए। देखिए ये सिद्धांत की बात है, एज ए सैनिक हम किसी भी पॉलिटिशियन की किसी बात पर कोई कमेंट नहीं करते, उसके एक कारण है, जो हम बोलते हैं एज ए सैनिक वो अटल है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन जो मैं आगे नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, गौरव जी आपका, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, अभी रिस्पॉन्स पूरा नहीं हुआ है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, आप पूरे भारत को इन चीजों में मत उलझाइए, मत उलझाइए। सिंह साहब मैं तो आपके साथ आपसे आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है सिंह साहब कि भारत के विदेश मंत्री आपके साथ नहीं है, भारत के राजदूत चीन के वो आपके साथ नहीं है, मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।